नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। सरकार पूरे देश के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जौली ने द्वीप समूह के लिए अलग से नौवें निगम की स्थापना की मांग की है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड की ओर से हैवलॉक में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कला और संस्कृति निदेशालय की ओर से आज पोर्ट ब्लेयर में संगीत गोष्ठी का आयोजन किया गया है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। श्री वाजपेयी को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा उनके 90वें जन्मदिन से एक दिन पहले 24 दिसंबर को की गई थी। इनके अलावा जाने माने शिक्षाविद और स्वाधीनता सेनानी मदन मोहन मालवीय के लिए घोषित भारत रत्न सम्मान उनके परिवार के सदस्यों को 30 मार्च को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाएगा। सरकार पूरे देश के बंदरगाहों में सुधार और आधुनिकीकरण का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बंदरगाहों की वृद्धि से रोजगार के और अवसर उपलब्ध होंगे और आर्थिक वृद्धि होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंदरगाहों पर मौजूदा सुविधाओं में सुधार की जरूरत है, जिससे विदेशी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो सके। बंदरगाहों के जरिए लगभग 90% व्यापार होता है और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रचालन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विशाल जौली ने द्वीप समूह के लिए अलग से नौवें निगम स्थापित किए जाने की मांग की है। कल पोर्ट ब्लेयर में पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए विशाल जौली ने बताया कि नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के पार्टी प्रतिनिधियों की बैठक उन्होंने द्वीप समूह की विभिन्न समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ज्ञापन भी पेश किया। इसमें मुख्य रूप से नवीन निगम की स्थापना के अलावा कैम्बल बे में जहाजरानी बंदरगाह के निर्माण पर जोर दिया गया। ज्ञापन में विदेशों से द्वीप समूह आने के इच्छुक यॉट और क्रूज लाइनर को अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की बात कही गई है। श्री विशाल जौली ने अपने ज्ञापन के माध्यम से द्वीप समूह में पाम ऑयल की खेती पुनः शुरू करने, शेखर आयोग की सिफारिशों की समीक्षा, पर्यटन और मत्स्य क्षेत्र को CSZ प्रावधानों से छूट और सुनामी प्रभावित किसानों को मुआवजा के अलावा डूबी जमीन वापस दिए जाने जैसे मुद्दे प्रमुखों पर विशेष जोर दिया है। श्री विशाल जौली ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी पार्टी द्वीप समूह में पूरी तरह एकजुट है।